नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 परमाणु की संरचना अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 के अभ्यास की सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। गुण प्रतीक, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक E, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N होता है। आवेश, इकाई ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। यदि कूलाम में आवेश की बात करेंगे तो ऋण 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19 कूलाम और प्रोटॉन धन हो जाएगा ही। और द्रव्यमान की बात होगी तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात होगी तो। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। यदि किलोग्राम में लेंगे तो 9.109 × 10³³ kg और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा 1.673 × 10²³ kg और न्यूट्रॉन 1.675 × 10²³ kg। और इन कणों की स्थिति कहाँ है ये देखा जाए तो परमाणु के नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाना, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह परमाणु के नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन जो होता है नाभिक में स्थित होते हैं और न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थित होते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न 2, जे.जे. टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, अर्थात इसमें जे.जे. टॉमसन के परमाणु मॉडल की हमें कमियों को बताना है। तो देखिए पहले जे.जे. टॉमसन का परमाणु मॉडल होता क्या है। जे.जे. टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान तथा धन आवेश गोले में समान रूप से वितरित रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। धन तथा ऋण आवेश मात्रा में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये तो हुई मॉडल की बात। अब इनकी कमियां देखिए। इस मॉडल से परमाणु के विद्युत उदासीन होने की व्याख्या तो की गई, यानी परमाणु विद्युत उदासीन है इसकी व्याख्या तो हो गई, किंतु धन और ऋण आवेश किस प्रकार आपस में बंधे हैं इसकी व्याख्या नहीं हो सकी। यानी यह मॉडल जो है यह नहीं बता सका कि धन और ऋण आवेश किस प्रकार आपस में बंधे हैं। यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। यह मॉडल जो है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या भी नहीं कर सका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, अर्थात इस प्रश्न में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को बताना है। तो पहले देखा जाए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता क्या है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान एक अति सूक्ष्म आयतन में संचित रहता है, यानी परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान एक अति सूक्ष्म आयतन में संचित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इसके लिए आवश्यक अपकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण बल से प्राप्त होता है, यानी वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए जो अपकेंद्र बल की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब देखते हैं इस मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड का मॉडल ये बताने में असफल रहा कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में घूमते हैं, यानी यह मॉडल ये बताने में असफल रहा कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में घूमते हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार घूमते हैं तो मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार इससे ऊर्जा का विकिरण होगा। यदि
इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार घूमेंगे तो मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी, जिससे उसकी चाल और त्रिज्या भी घटती जाएगी, जिससे उसकी चाल और त्रिज्या भी घटती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर कर नष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रश्न 4, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर का परमाणु मॉडल। सन 1913 में निल्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए एक अपना नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो निम्न है। यानी सन 1913 में निल्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए अपना एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखिए क्या है बोर का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें विविक्त अथवा अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें विविक्त अथवा अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन वो नहीं करता। किसी निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं एक समान होती हैं। किसी निश्चित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं घूमने वाले, उनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहाँ h प्लैंक नियतांक है। यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहां h क्या है, प्लैंक नियतांक है। अर्थात कोणीय संवेग mvr = nh/2π, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी तथा n = 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्याएं इलेक्ट्रॉनों की कक्षा, कोष अथवा ऊर्जा स्तर कहलाती है। ये संख्याएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा, कोष अथवा ऊर्जा स्तर कहलाती। इन कक्षाओं को क्रमशः के, एल, एम, एन आदि अक्षरों से भी प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षाएं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होती हैं। ये जो कक्षाएं होती हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होती हैं। प्रश्न 6, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का बोर बरी नियम। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर या कोष है। अतः पहली कक्षा, जिसे k से भी प्रदर्शित करते हैं, 2n की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 हो जाएगा। दूसरी कक्षा जिसे l से भी प्रदर्शित करते हैं, 2n की जगह 2, ये 4 होगा, 4 × 2 = 8। तीसरी कक्षा जिसे m से, 2 × ये हो जाएगा n की जगह 3, 9 × 2 = 18। इसी प्रकार चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान ग्रहण नहीं करते जब तक कि उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। इस प्रकार कोष क्रमानुसार भरते हैं। परमाणु के दिए गए कोष या कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान ग्रहण नहीं करते जब तक कि उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। जैसे के, एल, एम ये कोष हैं, तो के भर जाएगा तब एल में जाएगा, एल पूर्ण रूप से भर जाएगा तब एम कोष में जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रमानुसार भरते हैं। प्रश्न 7, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। जिन तत्वों के परमाणुओं के वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं के वाहतम बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अतः स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तत्व का परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करता है वहीं उस तत्व की संयोजकता कहलाती है।
यानी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अष्टक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तत्व का परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण या ग्रहण करता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब लेते हैं उदाहरण सिलिकॉन का। सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्या होती है? 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 यानी के एल एम। तो इसके अंतिम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई होगा। तो यह 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? साझेदारी करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये सिलिकॉन की संयोजकता इस प्रकार 4 हुई। अब यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 6। यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर ले साझेदारी करेगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन ये ग्रहण करेगा कहीं से स्थानांतरण होगा इलेक्ट्रॉन का तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 2। प्रश्न 8 उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिकों के कोई दो उपयोग लिखिए। परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, क्योंकि इसके परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए जेड बराबर 8, अर्थात ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अब आते हैं द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उदाहरण सोडियम का द्रव्यमान 23U यानी 23U। यू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या की यूनिट होती है। तो 23 होता है सोडियम का द्रव्यमान संख्या, क्योंकि इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन दोनों का योग क्या होगा? 23। इस प्रकार द्रव्यमान संख्या क्या होगी? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, क्योंकि तीनों में जो परमाणु संख्या है, देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु संख्या 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वह यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार ये क्या है? समस्थानिक है। समभारिक, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है समभारिक कहलाते हैं, जैसे आर्गन और कैल्शियम। तो हम यहाँ देख रहे हैं इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? दोनों की 40 है। तो ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के दो उपयोग, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है।
अब देखिए प्रश्न संख्या 9। सोडियम प्लस के पूरी तरह से भरे हुए के और यल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। सोडियम की परमाणु संख्या 11, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 10, क्योंकि ये प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 8, यानी इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? वही 2n² तो यहाँ पर 2n की जगह 1, तो 2 हो जाएगा यल कोष, यानी दूसरे कोष में। तो 2 × 2² 8 हो जाएगा। तो n प्लस की पूरी तरह से भरे हुए के और यल कोष है, ये व्याख्या के द्वारा स्पष्ट होता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, इसमें परमाणु द्रव्यमान 79 है और 49.7% है, तथा इसका जो परमाणु द्रव्यमान है 81 है और प्रतिशत क्या है 50.3 के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु की औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ये 79 का 49.7% प्लस उसमें 81 का 50.3%, और इसको सरल करेंगे तो आएगा इतना, और फिर जोड़ेंगे तो आएगा ये, और इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 80.006 यूनिट। यू क्या है? परमाणु द्रव्यमान की यूनिट। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। एक तत्व यक्ष का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 16x और 18x का प्रतिशत क्या होगा? देखिए माना तत्व यक्ष के नमूने में 16x का यक्ष प्रतिशत है, तब समस्थानिक 18x का प्रतिशत 100 में से यक्ष को घटा देंगे, ये है होगा। अब प्रश्नानुसार 16 का यक्ष प्रतिशत और 18 का 100 − यक्ष प्रतिशत इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, यहाँ लिख दिया गया है। अब इसको गुणा करेंगे, 16 × x/100 प्लस 18 × 100 − x/100 बराबर 16.2। अब ये सरल करने पर ये आएगा 16x ये, और फिर इसको 100 का इधर गुणा कर देंगे, 1800 − 2x, इसको पक्षांतर करेंगे तो यक्ष की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। यक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। और अतः समस्थानिक 16x का प्रतिशत 90 होगा और समस्थानिक 18x का प्रतिशत 10 होगा, ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12। यदि तत्व का z = 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। यहाँ z = 3 अर्थात तत्व की परमाणु संख्या 3 है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1। तत्व की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तत्व की संयोजकता 1 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से स्थानांतरण कर देगा, और ये जो इसके पहले वाली कक्षा पूर्ण रूप से भरी रहेगी, इस कारण इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। और तत्व का नाम क्या है? लिथियम। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन दिया गया है। प्रोटॉन दोनों में 6-6 हैं, न्यूट्रॉन पहले में 6 है, दूसरे में 8 है। यक्स और वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है ये बताना है। उत्तर, यक्स स्पीसीज की द्रव्यमान संख्या, तो इसकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन धन, न्यूट्रॉन 6, 6, 12। वाई स्पीसीज की द्रव्यमान संख्या 6 × 8 = 14 होगी। यक्स की परमाणु संख्या 6 और वाई की परमाणु संख्या भी 6 है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या 12 और यहाँ पर 14 है, लेकिन दोनों स्पीसीज का परमाणु संख्या 6 और 6 है। तो ये दोनों स्पीसीज की परमाणु संख्या समान है, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, अतः दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समस्थानिक होंगे। दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समस्थानिक, एक कार्बन के समस्थानिक हैं। और प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें।
पहला ए, जे जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियांश होते हैं, ये फाल्स है, गलत है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित हो जाता है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, ये सत्य है, टी ट्रू। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, ये भी वाक्य क्या है, गलत है, फॉल्स है। प्रश्न संख्या 15, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? यहाँ पर चार उत्तर दिए गए, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ती पहला सही है, परमाणु केंद्रक। 16वां प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। ये तीसरा सी सही है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, सी सही है। क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर हमें क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें 16, 8, 17 और 18, तो क्लोरीन का होता 17 और ये हो जाएगा 2, 8 और 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेकिन माइनस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण कर लिया है, तो ये 18 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 2, 8, 8, तो इसका उत्तर होगा बी, ये सही है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? तो सोडियम का 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1, इसका अर्थ हुआ ये सही है, डी वाला। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीसीज लिखना है। तो परमाणु संख्या जो होती है वही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, यहाँ 9 हो जाएगा, वहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। अब द्रव्यमान संख्या जो होगी वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी 19 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर परमाणु संख्या 9 है, तो ये फ्लोरीन है, ये कौन सा तत्व है, फ्लोरीन। परमाणु संख्या 16 है, तो इसका अर्थ हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या भी 16 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 16 होगी। अब इसमें से द्रव्यमान संख्या में से 16 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा यहाँ पर, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16 होगी, और ये प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान, तो यहाँ भी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 24, द्रव्यमान संख्या 24, प्रोटॉनों की संख्या इसमें से घटा देंगे तो जो आएगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, यानी 12। प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु संख्या होती, तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 हो जाएगी, तो यहाँ पर परमाणु संख्या 12, इसका मतलब ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 2 है और प्रोटॉनों की संख्या 1 है, तो इसका अर्थ हुआ न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, प्रोटॉनों की संख्या 1 तो परमाणु संख्या भी 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, क्योंकि परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 है, तो ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। अब अंतिम है, द्रव्यमान संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 0, प्रोटॉनों की संख्या 0, ये
प्रोटॉनों की संख्या, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है और इस ये क्या है, पहला समस्थानिक प्रोटियम, प्रोटियम। नमस्कार सारी, यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, शून्य है। इसका अर्थ हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो ये हाइड्रोजन आयन होगा, ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। प्रोटियम सही है क्योंकि यही समस्थानिक है, लेकिन ये प्रोटियम आयन भी कह सकते हैं। नमस्कार।